नमस्कार व्यूअर्स। तो अल्कोहलों के सॉल्यूशंस की सीरीज में अगला पार्ट है 10.11 एंड दिस इज द इंटर कन्वर्जेंस ऑफ दिस कंपाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिएगा इसे। यहाँ से आपको सवाल बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे। एक एक करके फटाफट सॉल्व करते हैं हम लोग। एथेनॉल से ब्यूटवानाइन, एथीन से ब्रोमोएथेन, ये बनाना है एक एक करके। कन्वर्जेंस देखते हैं पहले। पहला है एथेनॉल से ब्यूट वन आइन, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। एथेनॉल मतलब CH3CH2OH। अब इससे बनाना है ब्यूट वन आइन, मतलब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा पहले और दूसरे कार्बन के बीच में, ये बनाना है। ठीक है बेटा, इंटर कन्वर्जेंस में हम पहले बोल चुके हैं आपको, जो स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ जाना है उनके स्ट्रक्चर्स दिमाग में ज़रूर रखें, देन आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो कार्बन और यहाँ हमें चार कार्बन के पास जाना है अलॉन्ग विथ ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। अब जरा देखो इसको, अगर हम यहाँ पर इसको अगर हम PCl3 से रिएक्शन करा दें, PCl3 से, जरा देखो क्या हो जाएगा, CH3CH2Cl और प्लस H3PO3, तो बाई प्रोडक्ट नहीं लिखना होता है, मेन प्रोडक्ट लिखना है। तो PCl3 या SOCl2 से रिएक्शन करा दो तो OH की जगह पर आ जाएगा Cl, हो गया। अब एक दूसरा कंपाउंड है एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH मीन्स C2H2, एथाइन है या इसको एसिटिलीन भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो हाइड्रोजन होता है, क्योंकि ये जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, इस कार्बन में s करेक्टर सबसे ज़्यादा 50% होता है यहाँ पर, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज़्यादा, तो इस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन भी ज़्यादा एसिडिक होता है। मतलब इस कार्बन से, इस sp संकरित कार्बन से जो निकलने वाला हाइड्रोजन है वो बड़ी आसानी से H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। तो अगर इसकी रिएक्शन हम सोडामाइड से करा दें या एवन कॉपर या सिल्वर के धातुओं से ही क्रिया करा दें, तो ये H बड़ी आसानी से रिएक्शन में बड़ी आसानी से H+ के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो सोडामाइड से करा रहे हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, द्रव अमोनिया की उपस्थिति में टेम्परेचर थोड़ा कम रखा है -77°C पर। तो होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है ना एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, तो H+ के फॉर्म में बड़ी आसानी से निकलेगा। तो ये बन जाएगा बेटा ये Na+ H+ रिप्लेस हो गए, तो यहाँ आ गया Na+ और ये H+ NH2-, ये प्लस ये माइनस, ये वाला प्लस इसके साथ रिएक्शन कर क्या बना देगा, अमोनिया, और ये वाला प्लस यहाँ आ गया। इसको बोलते हैं सोडियम एसिटिलाइड या वैसे मोनोसोडियम, एक बार है ना, तो मोनोसोडियम एसिटिलाइड। अगर आप ज़्यादा कराओगे तो ये वाला H+ भी हट जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन भी हट जाएगा, वहाँ बन जाएगा डाइसोडियम एसिटिलाइड। तो ये हो गया सोडियम एसिटिलाइड और ये हो गया क्लोरोएथेन, बस हो गया रिएक्शन। देखो जरा, ये हो गया एसिटिलाइड Na+ और इसको उल्टा करके लिख रहे Cl CH2 CH3, दोनों का रिएक्शन कराओ, NaCl अलग हो गया, यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH2 CH3 और प्लस NaCl, दैट इज द कंपाउंड ब्यूट वन आइन जो बनाना था, ब्यूट वन आइन। अगला देखो एथीन से ब्रोमोएथेन, एथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, ब्रोमोएथेन C2H5Br, इस पर HBr का ऐड करा दो, सिंपल रिएक्शन है, तो एक तरफ H चला जाएगा एक तरफ Br। अगला देखो प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपीन, प्रोपीन मतलब हो गया बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 और इससे बनाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन, मतलब CH3 CH2 CH2, उसके साथ लगा होगा NO2। ठीक है, नंबर एक कार्बन पे क्या लगा है, NO2। अब इसके साथ हम रिएक्शन देखें, अगर हम HBr के साथ रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो एंटी मार्कोनी कॉफ का रूल लग जाएगा, Br- वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा CH2, ये हो गया Br और यहाँ हो गया CH2 CH3। फिर से बोल रहे हैं हम, ये एंटी मार्कोनी कॉफ का रूल लग रहा है, AMKR इसे हम शॉर्ट में कहते हैं। तो Br- इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड भी ले सकते हो या हाइड्रोजन परऑक्साइड ले सकते हो, तो माइनस वाला भाग इस असममित एल्कीन के उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये Br यहां आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा CH2 Br और ये वाला H यहां आ गया, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया, तो ये मिल गया।
तो दिस इज द कंपाउंड, ठीक है। तो ये हो गया CH2, दिस इज वन ब्रोमो प्रोपेन, और अब इसकी क्रिया करा दो बेटा किससे, सिल्वर नाइट्राइड से। और आपको पता है कि सिल्वर सॉल्ट जो है वो नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, तो यहाँ से Br और यहाँ से Br, यहाँ से Ag अलग हो जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा AgBr, और ये हम इस तरह लिख देते हैं CH3CH2CH2NO2, दिस इज वन नाइट्रो प्रोपेन, ओके। अगला देखो, टैलविन से बेंजिल एल्कोहल, टैलविन मतलब बेंजीन पर CH3, टैलविन दिस इज मेथिल बेंजीन, तो ये हो गया, और बनाना क्या है, बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल एल्कोहल का मतलब बेंजीन पर CH2OH, तो बेंजीन पर जब CH2 होता है तो ये स्केल्टन कहलाता है बेंजिल, मतलब इतना जो स्केल्टन है, ये जो स्केल्टन होता है इतने को ही कहा जाता है बेंजिल। तो अगर OH लग जाए वहाँ पर तो बेंजिल एल्कोहल, Cl लग जाए तो बेंजिल क्लोराइड, फिलहाल टॉलविन। अब देखो जरा, इसकी रिएक्शन कराओ Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब एक चीज़ ध्यान रखो, इस टॉलविन की खासियत है कि इसमें दो पोर्शन है, ये एलिफेटिक पोर्शन और ये एरोमेटिक पोर्शन है। अगर इस एलिफेटिक के हाइड्रोजन को हटाना है और Cl लगाना है तो सनलाइट रहेगा, और अगर इस एरोमेटिक वाले हाइड्रोजन को हटाना और वहाँ क्लोरीन लगाना है तो अंधेरा रहेगा एलॉन्ग विद हैलोजन वाहक, जैसे निर्जल AlCl3 या FeCl3। फिलहाल हमें यहाँ हटाना है हाइड्रोजन और क्लोरीन लगाना है, तो हमने Cl2 लिया है और सनलाइट यूज़ कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा बेटा CH2Cl, और ये हो गया बेंजीन, दिस इज बेंजिल क्लोराइड, क्या हो गया, बेंजिल क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन अब करा दो आप NaOH के साथ, वो भी एक्वस, जली NaOH बड़ी आसानी से, एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा हैलोजन है ना, तो हट जाएगा वहाँ से और यहाँ लग जाएगा OH, और ये है बेंजीन, दिस इज बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। अगला है प्रोपीन से प्रोपाइन, प्रोपीन मतलब डबल बॉन्ड, और कहाँ जाना है, ट्रिपल बॉन्ड पर। ज़रा देखो स्ट्रक्चर, ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन, और बनाना क्या है बेटा, प्रोपाइन, मतलब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। कैसे लगाओगे, डबल बॉन्ड का एक एस्टिमेशन होता है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, असंतृप्तता का परीक्षण, उसी का रिएक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो लिक्विड ब्रोमीन होता है, ये बड़ी आसानी से इस डबल बॉन्ड पर ऐड कर जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 यहाँ भी Br और यहाँ भी Br हो गया बेटा। तो डाई ब्रोमो, ये हो गया हैलोजनीकरण, क्या बोलते हैं इसको, हैलोजनीकरण, दो हैलोजन एक साथ, एक Br यहाँ एक Br यहाँ आ गया। अब इसका एक एक करके वी हाइड्रो हैलोजनीकरण करा दो, मतलब Br HBr निकल गया, फिर Br और फिर HBr निकल गया, तो यहाँ एक बार जब निकलेगा HBr तो डबल बॉन्ड आएगा, जब दूसरी बार निकलेगा तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। एक एक करके हम दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पर ले लो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक से रिएक्शन करा दो, अब यहाँ से Br और यहाँ से H, यहाँ से Br यहाँ से H, देखो जरा, तो ये हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CHBr और प्लस NaBr और प्लस H2। अगली बार फर्दर NaOH से रिएक्शन करा दो, या इसकी जगह पर एल्कोहलिक NaOH तो ले लीजिए, या इसकी जगह पर आप सोडामाइड प्लस लिक्विड अमोनिया ये भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका भी इस्तेमाल यहाँ किया जा सकता है अगर हमें वी हाइड्रो हैलोजनीकरण कराना है, तो यहाँ से Br और यहाँ से H, तो ये हो जाएगा बेटा CH3C ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, और ये CH प्लस NaBr और प्लस वाटर, अगर ये लिया है तब, और ये लिया होता तो अमोनिया बन जाता, तो ये क्या है, प्रोपाइन, दिस इज प्रोपाइन, और ये क्या था, प्रोपीन, तो प्रोपीन से प्रोपाइन। अगला देखो, एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड, एथेनॉल मतलब CH3CH2OH, एथिल फ्लोराइड, जहाँ OH लगा है वहाँ F लगाना है, जहाँ OH लगाना है वहाँ F लगाना है, एथिल फ्लोराइड है ना, वो कॉमन नेम लिखा हुआ, फ्लोरोएथेन है वैसे, ये कॉमन नेम है एथिल फ्लोराइड, इसे एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, वैसे एथिल फ्लोराइड, तो ये फ्लोरोएथेन लिखा। अब OH की जगह पर फ्लोरीन लगाना है, डायरेक्ट तो नहीं लगेगा, तो क्या किया जाए, पहले इसको रिएक्शन करा दो आप PCl3 से, या
इसकी जगह पर ध्यान रखना SOCl2 भी लिया जा सकता है या HCl प्लस निर्जल जिंक क्लोराइड ले सकते हैं। हमें OH की जगह पर Cl लगाना है, लगा दीजिए। तो ये हो गया CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन फिर करा दो बेटा मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ, Hg2F2 के साथ। तो जहाँ क्लोरीन है वहाँ फ्लोरीन के साथ इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये हो गया, और यहाँ से क्या निकल जाएगा Hg2Cl2, तो बैलेंसिंग में है फिलहाल। ये है एथिल फ्लोराइड या फ्लोरोएथेन, जिसका IPSC नेम और कॉमन नेम ये लिखा है एथिल फ्लोराइड। ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनोन, देखो ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन मतलब CH3Br, और प्रोपेनोन बनाना है, प्रोपेनोन मतलब एसीटोन, तीन कार्बन है CH3CO CH3, और आपके पास स्टार्टिंग कितने कार्बन है, एक कार्बन, क्लियर। तो यहाँ पर हमें कुछ कार्बन को इन्हेंस करना पड़ेगा ना, कार्बन नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एसेंट ऑफ सीरीज़। तो अब ज़रा देखो इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं KCN के साथ, KCN के साथ अगर हम करा दें तो यहाँ पर KBr अलग हो जाएगा और CH3CN बन जाएगा, क्या बन जाएगा CH3CN। तो कार्बन बढ़ गया, कितने कार्बन हो गए, दो, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल गया बेटा KBr। इस साइनाइड का अगर आप जल अपघटन कर दीजिए, ध्यान रखिएगा, इस साइनाइड का अगर आप जल अपघटन कर दें तो अम्लीय जल अपघटन कराने से जो CN है ना, ये सीधे सीधे COOH में कन्वर्ट होता है और अमोनिया वहाँ से निकल जाती है। तो सिंपल याद रखो, अगर CN है उसका जल अपघटन जब कराओगे तो COOH मिल जाएगा। वैसे हम बात कहें अगर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ बनता है तो वो होता है CONH2। तो पहले बनेगा CH3CONH2, फर्दर हाइड्रोलिसिस होने पर बन जाता है CH3COOH, ठीक है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एट द प्लेस ऑफ CN आफ्टर हाइड्रोलिसिस वी यूज COOH, क्लियर। इसकी रिएक्शन अब आप करा दो चूने के पानी के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये क्षार है और ये अम्ल है, रिएक्शन होगी, बनेगा सॉल्ट। यहाँ ध्यान रखना एसीटेट पे -1 और कैल्शियम पर 2+ है, तो फॉर्मूला बनेगा क्या, CH3 CH3 COO का होल ट्वाइस CA, दिस इज कैल्शियम एसीटेट। क्या है बेटा, कैल्शियम एसीटेट। हम इसका स्ट्रक्चर दिखा देते हैं अभी, इसी कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम लवण है ना, इसका कर दीजिए शुष्क आसवन, ड्राई डिस्टिलेशन कर दो। यहाँ से ड्राई डिस्टिलेशन होने से क्या मिल जाता है, एसीटोन मिलेगा बड़ी आसानी से, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, यही एसीटोन जिसका IPSC नाम है क्या, प्रोपेनोन। अब इसका स्ट्रक्चर देखो ज़रा, ये है CH3 COO, ये CAO COO CH3, ठीक है ना। अब ज़रा इसमें देखें आप, तो ये जो है CH3 COO CA CO CH3, इसका जब आप ड्राई डिस्टिलेशन करते हो तो होता क्या है, ये शिफ्टिंग का तरीका है इसका। तो यहाँ से निकलेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हो गया CH3CO CH3, जैसे एसीटोन, और ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है Butene से Butene, अगला देखो बेटा आठवां है ये Butene से Butene, मतलब ये हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये Butene है और इस डबल बॉन्ड को यहाँ भेजना है, ठीक है, डबल बॉन्ड Butene से Butene बनाना है। वन इन का मतलब डबल बॉन्ड 1-2 के बीच में है, और 2-in का मतलब 2 और 3 के बीच में, तो 1-in से 2-in बनाना है। देखो ज़रा क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करा दो आप HBr से रिएक्शन करा दो, तो होगा क्या, देखो डबल बॉन्ड ये है, डबल बॉन्ड वहाँ जाएगा, मतलब माइनस वाला भाग वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो रिएक्शन हो जाएगी मार्कोनी ऑफ के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया CH3 CH2 CH CH3, और ये हो गया Br। तो ये Br यहाँ आ गया और H यहाँ, ये H यहाँ और ये Br यहाँ, अकॉर्डिंग टू MKR मार्कोनी कॉफ के अकॉर्डिंग हो रहा है बेटा ये, ठीक है। माइनस वाला भाग वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम होता है, तो यहाँ Br आएगा और ये H यहाँ हो गया। अब इसी का वी हाइड्रो हैलोजनीकरण करा दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहल की उपस्थिति, तो Br यहाँ से अकॉर्डिंग टू SUGEF, अब SUGEF लागू होगा, Br यहाँ से निकलेगा और इस धनावेशित कार्बन के अगल बगल वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ हाइड्रोजन निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा,
तो हो जाएगा कंपाउंड क्या, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और प्लस NaBr और प्लस H2O। अगला देखो, 1-chlorobutane से N ऑक्टेन, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, नॉर्मल है ना। अब यहाँ 1-chlorobutane देखो जरा, CH3 CH2 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 Cl, 1-chlorobutane, इसका सिंपल रिएक्शन आपको पता है, यहाँ रिएक्शन कौन सी हो जाएगी बेटा, ये वुड्स अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? वुड्स अपक्रिया। तो सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराओ, यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, टू टाइम्स Na हो जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ से Na और यहाँ से Cl दो बार निकल जाएगा। ये पूरा का पूरा 4 कार्बन ही है, ये 4 कार्बन ही है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं CH3 CH2 6 टाइम्स CH3। देखो CH3 हो गया 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया N ऑक्टेन। क्या हो गया? N ऑक्टेन प्लस 2 NaBr एंड द रिएक्शन नेम इज वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? वुड्स रिएक्शन है ये, ठीक है। अगला है बेंजीन से बाईफिनाइल, बेंजीन से बाईफिनाइल, बेंजीन मतलब C6H5 हो गया ये, C6H5, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप करा दो क्लोरीन के साथ निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में, ठीक है। अगर आप सनलाइट डालोगे तो यहाँ रिएक्शन थोड़ी अलग हो जाएगी फिलहाल, तो ये हो जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन, ये हो गया। अब इस क्लोरोबेंजीन को सोडियम प्लस शुष्क ईथर एज इट इज़ फिटिक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ से हम दिखा दे रहे हैं, ये है क्लोरोबेंजीन एक अणु और ये है सोडियम धातु, सोडियम और फिर क्लोरीन, ये क्लोरोबेंजीन। कंडीशन किसकी है? शुष्क ईथर की। किसकी है बेटा? शुष्क ईथर की। देखो जरा, यहाँ से Cl, यहाँ से भी Cl, दो बार Na और ये बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया C6H5 अगेन एंड दिस इज CCH5। ये क्या हो गया? बाईफेनिल। क्या हो गया? बाईफेनिल प्लस 2 times NaCl। वैसे ये रिएक्शन कौन सी है? ये है फिटिक रिएक्शन, ठीक है। ये है फिटिक रिएक्शन और ये क्या था? वुड्स रिएक्शन एल्किल हैलाइड के लिए होता है और फिटिक रिएक्शन एरोमेटिक हैलाइड के लिए होता है। कंडीशन सेम है, सोडियम शुष्क ईथर, ये एलिफेटिक और ये एरोमेटिक। तो दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर 10.11। आई होप कि समझ में आई होगी बात, ठीक है। अगला पार्ट इसके आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।